दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम आईडी को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम आईडी को परमानेंट डिलीट करने की। तो जी हाँ, परमानेंट डिलीट 30 दिन में, मात्र 30 दिन में आपकी आईडी परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट, और मैं लेके चलता हूँ आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली किस प्रकार हम डिलीट कर सकते हैं। तो चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को किस प्रकार डिलीट कर सकते हैं। चलो फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमने सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन किया, और आप जिस आईडी को भी अपने परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं उसे आप लॉगिन करके रखेंगे। तो मेरी पर्सनल आईडी है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं डिलीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। और थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सेटिंग पर सिंपली क्लिक कर लेना है। और सेटिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सबसे डाउन चले जाना है, मतलब सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प का, आपको ये ऑप्शन दिख रहा है। इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इस पर हेल्प पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हेल्प पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। इसमें आपको सिंपली कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको फिर से हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो हेल्प सेंटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हेल्प सेंटर पर क्लिक करने के बाद में कुछ आपको इस प्रकार दिखने लगेगा, और आप फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको नज़र आता है, लेकिन हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें जाना है थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर। और थ्री डॉट पर हम क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर से हमें कुछ नहीं करना, हमें मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करना है। सिंपली हमने मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करा, और आप देख सकते हैं इसमें आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन डिलीट योर अकाउंट। तो हमें सिंपली डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करना है। एक बार जैसे ही हम डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे टेम्परेरी डीएक्टिवेट योर इंस्टा अकाउंट, नीचे दिया हुआ डिलीट योर इंस्टा अकाउंट, नीचे दिया हुआ उसके एक्सेस एंड डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन एंड इंस्टा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये डिलीट योर अकाउंट दे रखा है, आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो देखते हैं फिर, आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी आपको डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सबसे ऊपर ही डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करा। डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा, लेकिन आपको इसमें भी कहीं पर भी डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एंड्रॉयड हेल्प पर जाना है, एंड्रॉयड ऐप हेल्प पर। इस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने नज़र आता है। तो आपको सिंपली इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको एंड्रॉयड हेल्प के ऑप्शन पर जाने के बाद में सिंपली आपको मोबाइल ब्राउजिंग हेल्प पर आपको क्लिक करना है। मोबाइल ब्राउजिंग हेल्प पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार आपके सामने नज़र आता है डिलीट योर इंस्टा अकाउंट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कि हम अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट योर अकाउंट। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, एक बार क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। ये आपसे बोल रहा है कि आपका जो भी आईडी का पासवर्ड है, उस आईडी के पासवर्ड को इसमें फिल करेंगे। लेकिन आईडी का पासवर्ड फिल करने से पहले कुछ आपको शर्त दी हुई है कि आप किस रीजन से अपना इंस्टा अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा क्रिएट एयर सेकेंड अकाउंट पर मैं क्लिक करता हूँ कि मेरा सेकेंड अकाउंट है, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो आपसे पूछेगा री एंटर योर पासवर्ड। अब री एंटर पासवर्ड कर देंगे, इसमें आप अपना पासवर्ड जो आपके इंस्टा अकाउंट का पासवर्ड है आप इसमें फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद में डिलीट योर अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आप इसमें डेट देख सकते हैं कि डेट दी हुई है नवंबर 18, 2023, और डिलीट की डेट है ये कि आप 30 दिनों के अंदर अगर इस आईडी को कभी भी अपने इंस्टा में लॉगिन कर लेते हैं तो आपका अकाउंट फिर डिलीट नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर 30 दिनों के बाद में आपने लॉगिन कर ली तो भाई वो डिलीट नहीं होगा। अगर 30 दिनों के बाद आप लॉगिन करते हैं तो कभी भी आपका
इंस्टाग्राम में शो नहीं होगा, क्योंकि 30 दिन के बाद इंस्टाग्राम पूरी तरह से डिलीट कर देता है। तो आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो अपने अकाउंट को आप 30 दिनों तक लॉगिन नहीं करें तो ही आपका अकाउंट डिलीट होगा। अगर आपने 30 दिन से पहले इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से अपने इंस्टा में वो आईडी लॉगिन कर लें तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ चुका होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।